खंडवा से बुरहानपुर की ओर जा रही आर्या बस ग्राम पांझरिया के पास पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 8 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक बालिका का हाथ धड़ से अलग हो गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया। मौके पर पदमनगर और सिटी कोतवाली दोनों ही थानों की पुलिस भी पहुंची थी, जिन्होंने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आर्या बस है जो खंडवा से बुरहानपुर चलती है, और वो बस जो है शाम को 7:30 बजे खंडवा से निकलती है। पांझरिया करके खंडवा से हार्डली 2 किलोमीटर दूर पर ही एक गांव पड़ता है, वहाँ पर स्किड हुई है और जिसके कारण दुर्घटना हुई। दुर्घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, और जो 10 लोग घायल हुए हैं उसमें से हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एक की क्रिटिकल हालत थी, उसके 2 संत भी थे, संत की क्रिटिकल हालत थी, उनका एक का तो यहाँ पे समय ध्यान हो गया है और एक का जो है वो सीरियस है, और बाकी पुलिस जो है जो साक्ष्य बंद है। हॉस्पिटल जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें सभी लोग डॉक्टर वगैरह की सेवाएँ हैं। तो कितने लोग सवार थे, कुछ जानकारी मिल गई है? हाँ, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मौके पर हमारे थाना प्रभारी है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसको, और अभी मौके पर रेस्क्यू का काम महत्वपूर्ण है। रेस्क्यू के पीछे हम लोग ड्राइवर को हिरासत में लिया है? नहीं, अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है, क्योंकि लोकल की बस है और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा पहला उद्देश्य ये था ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इनको सेव किया जाए और इनका उपचार जल्दी से जल्दी कराए। तो सर शुरुआती में क्या निकल गया है, क्या स्पीड में थी, ओवरटेक था या और कुछ कारण था? अभी इन्वेस्टिगेशन में मामला है। ठीक सर।